शुद्ध दिन कौन को आवे मैं बताऊं था। एक जनो पूछ लियो बोलो 10 साल पुराण आचार कौन गला जी आए। एक जनो करियो उपराध मास्टर हो गई बोलो मारकन ला जी आए। बोलो मारकन ला जी आए 10 साल नहीं 12 साल पुराण आचार ला जी आए। जब पूछ बड़ो बोलो थोड़ो गालो नहीं देनी खावा कछोक हुए। बोलो इया गाल तो ना 3 महीना पुराणो ही गोला तो मैं तो खुद ही ढकनों को नहीं खोलियो। तो इस संसार में मास्टर का जता शुदा दिन आवे हैगी जैसा कोई का ही को नहीं आवे। एक मास्टर जी के सातू वेतन लागो जना छोरा ने बोलियो बोलो बच्चों सातवां वेतन लग गया है आज से अपन चुपड़ी हुई रोटी खाएंगे। अता दिन लुखी खाता सातवां वेतन लाते हैं बोलो चुपड़ी हुई रोटी खाएंगे। जा छोरा बोलियो मैं तो नाम ही सुनिया चौपड़ेड़ी को बापू जी चौकी बात है सातवां वेतन लागो जना आज चौपड़ेड़ी तो घसिया। तो बोले बताओ बोले लो ठाउड़ो की लेवा चना। एक छोरो भाग्यो 5 किलाड़ी खेत ले यार पकड़ाई गुरु जी नटका बोलो ना। दूसरा 10 किलाड़ी पकड़ाई गुरु जी नटका बोलो ना। छोरा बोलो रे ड्रम बरा लिया के 220 लीटर वालो सातु वेतन ही तो लगी है। अब गुरु जी का कोरेक्साली शिष्य ढूंढता फिर खांसी वाली। अब दादाजी की टेम की कोई लाइडी आड़ा दिवाड़ा हम पड़ी जाड़ा जमेड़ी बिन धोनी चोर साफ करी प्रेमी सजनो। अरे गुरु जी गया एक जाटा की डाणी के माए घी लिया बा। अभी जाट को छोरो कहीं भी गुरु जी कंध पड़ेड़ो। अरे ए मास्टर ने ओठा पड़ जाया ने के आप नु पड़ाड़ो छोरो नौकरी लागो पच माकड़ा छटे बियाली डाणी में जा रे। ओहो हो पूछो ही मत। अब जाता है भी जाट राम रमी करी बोलो सातू वेतन लागो। और चौधरी बोलो गीले बाया घी का कहीं भाव है। बोलो घी का तो छसे का भाव है गुरु जी पर मारो छोरो तांगन पटेड़ो है मनोज और वो नौकरी लागो जम्मू कश्मीर भी की ड्यूटी है 550 रुपया ले शू ताकनू। अरे वाह मनोज नौकरी लग गया पहले ही पता था वो गांधी टाइप का आदमी था और बहुत होशियार था ऐसे वैसे करके भाई वो 550 का 500 कर दे किया भी कर माचा के ऊपर कणा दाउण का नहीं बैठे कणा शिराने बैठे गुरु जी या कीड़ी नगरा पर ऊंट करे जिया कर रही हो। अब वो जाट बोले गुरुजी कोई बात को नहीं 500 लगा दियो घी का तो अपन ठावड़ो कटे है ना गुरुजी जेब महा दियो को एक साड़ी शीशी काटी। वो जाट मन में विचार करियो हे सांवरा अत्तो घी तो आपने चूल्हा बीच और झापड़ी बीच रोजी नहीं ढूंढाई चौपड़ती टाइम सातु तो वेतन लागी और इस शीशी में घी ले बाए आ तो 20 ग्राम की है पर जाट की सुनेड़ी ही के पात्र प्रीत पतंग रंग ताता मद की तार आंथ रवि ऊत को धन अन जाता लागे नहीं बार इयान को दन क दे नहीं लेनो जो जीव दो राउंड दे आपा भैंस खरीदा तो अगला ना का दे दारी जणी जो कीजिए देखो सॉरी पे पाचा देर के जाबे दारी जणी जो तन बोलो इया ले जाओ थे आशीषी निमड़ जी आज ना औरू ले जाजो पीसा को ले थागनो जाड़ ना टा 6 महीना पहली को निमड़ा इया निमड़ा करे 6 महीना पहली। अब गुरुजी और ही ज्यादा राजी हुआ भी शिष्य ने भी डाणी मु टूल्या जना कस्बा लाग्या जो घरा पुग्यो त्यान बिल्डिंग कर दी डकना केर भी सी सीखे। अब जाता है गुरुवाणी जी रोटियां पोरिया छोरा ने हेलो पड़ो आओ बच्चों चुपड़ी हुई रोटी ले लो ना छोरा ले ले थाली रे भाग्या। गुरुजी काई करे जी आई पहल सी की रोटी पड़ी छाबड़ी के मायने शीशी रगड़ दे ऊपर शीशी खोल ले कोनी अभी कांच को काई कर से सात पीढ़ी तानी रोटियां चौपड़े तो कोनी कर से बात। अब गुरुजी चौपड़ रोटियां आपकी चौपड़ ले गुरुवाणी जी की चौपड़ दे और प्रेमी सजनो भी शिष्य अलमारी के माय मेलर ताड़ो देर कणकती के चाबी बंद। डेढ़ मन्ना तानी रोटियां चौपड़ी भी तरीका हूं डेढ़ मन्ना बाद में छोरा का कुर्तिया उगाड़ उगाड़ देखे गए लो मंगर के भाई पोत काटे है कौन छोरा। अब शिष्य रगड़ेड़ा को कहीं पोत काटे साइकोलॉजी आग लगी सुनावा को टेम आएगो गुरु जी की ड्यूटी लागी 5-4 को सागी बोटा के वास्ते पैदल गया। जब 5-4 दिन लग गई बस में जाए तो रुपया लग जाए ने पैदल गया 5 दिन बाद में आया बात चाबी सागे रहेगी और अलमारी में रहेगी बात शीशी जना आतो ही छोरा गन रोजनू रोयो। एक थैली में तो अतीक सी चीनी अतीक सी चाय एक बोतल में अतो किराशनी तेला ने कहीं बोटा ने टेम मिल रहा है बेटा स्कूल में 5-7 मास्टर हुए ने किलो खांड चीनी बच्चे आज मैंने एक जना को अंदर जाया को नहीं गाँव में कोई गरीब ने दे दिया क्योंकि 5 ती करार लिया 100-100 ग्राम चीनी 5 ती आवागे थैलिया लटका मेरी आंगलिया के मायने और घर आयो आतो छोरा ने रोजनु रोयो बेटा बा चाबी तो मार कंदरे गिर वो गिरे गो अलमारी के मायने ते तो लुखी खाई दी सी 5 दिन। छोरा बोलो ना पिताजी लुखी को नहीं खाई तो बोलो अलमारी वाला कड़ंगे रगड़ ली। गुरु जी दो ही मेल दी कणपटी के माए क्यों बोले 5 दिन तो लुखी को नहीं खा जाएगी
अत्ता दिन तो गाया सात वेतन नहीं लागत करता तो सुधा दिन तो आवे देना देखो हवे बंका अपन जान गांगा सुधा दिन को नहीं आवे।